देखिए हमने तो गिनती गिनने पर नहीं रखी है, हमारे को नहीं पता प्रश्न है, हम गिनती क्यों करें, हमें क्या छः महीने में डालो क्या एक दिन डालो, हम तो अब गिनना बंद है हमारा और काम सब तो आपको पता ही है, सारी मिली आएगी उधर दोबारा आ चुकी है, आचार भी डाली थी, लड़की का वर्जन मिली है आ चुके लोगों ने, आप लोगों ने तो काम हमारे वही। कौल पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे थे तो आज विधायक प्रमोद विज ने उन्हें बुलाया है, घर के अंदर से जो है लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो देखते हैं इस मामले में क्या जो है बातचीत अब आगे होती है। तो विधायक प्रमोद विज घर के अंदर हैं और ये देख सकते हैं वार्ड की जनता और मकोल साहब जो है यहाँ पर आए हुए हैं। पहले दिन ये बात हुई थी कि बड़ी नेताओं की हाजिरी मारोगे तभी आपके काम होंगे, आज वो दिन आ गया, आपने भी शुरू कर दिया आज हाजिरी, तभी आपको अंदर बुलाया गया और आपके काम कुछ होने शुरू हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए बात कर हाजिरी तो देखो हाजिरी होती है भगवान की, भगवान का नाम बड़ा होता है, इंसान की हाजिरी कभी नहीं होती, इंसान की जिस दिन हाजिरी होनी शुरू हो जाएगी उस दिन देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो भगवान की हाजिरी लगानी चाहिए, सबको लगानी चाहिए। कल आपने भी बोला था कि हमारे भगवान तो विधायक जी हैं। हाँ वो देखिए तो एक कटाक्ष होता है सर, वो तो चलो हम एक राजनीतिक बातें हैं, वो कटाक्ष हैं, वो कुछ भी बोल सकते नहीं सर। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली में यहाँ पे आने से काम हो जाएंगे तो भैया हम तो अपना घर छोड़ के यहीं बैठ जाते हैं, हमारा तो काम करवा। मकोल साहब विधायक साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि मकोल साहब सारी जगह घूमाए लेकिन विधायक के पास आए नहीं, पहले आ जाते तो शायद ये काम बन जाता है। जिस टाइम आर के सिंह कमिश्नर थे हमारे, उस टाइम हमारे वार्ड नंबर 18 के 18 टेंडर लगे थे, आप इनसे एक बार इनको बोलिए कि एक बार सारा का सारा वहाँ से जो है ना डाटा निकालेंगे उसमें से, विधायक जी हैं कि मिनट में निकल जाएगा। तो उस टाइम हमारे 18 टेंडर थे, बाकी शहर के जो मुझे नहीं पता कितने भी थे, मैंने विधायक जी के पास कई बार गया, मैं बोला जी हमारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप ये वर्क ऑर्डर जारी करवा दो, लोग परेशान हैं, वर्क ऑर्डर जारी करवा दो। इनके मन में कुछ था, संशय था, वो एक मनोज कुमार जी थे, वो क्या कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ वाइज बताते हैं कि वो टेंडर फैला के लगा देते थे, कम से ज़्यादा बनाते थे, कुछ और इस तरह की दिक्कत थी। चलो हमारे टेंडर भी उन्होंने लगाए थे मनोज कुमार जी ने, तो इनको इनके मन में कोई गुस्सा था उनके प्रति या वो जो भी था, तो वो इन उसके टेंडर लगाए गए ये रोकना चाह रहे थे, कुछ ऐसा विषय भी हो सकता है। तो परंतु उसके बाद शहर में 70 के आसपास 200-250 कामों में से 70 के आसपास टेंडर कैंसिल हुए थे, 70 में से 15-16 तो मेरे ही थे, तो जब 15-16 मेरे हुए तो वार्ड बाकी के जो वार्ड थे उनके तो दो दो हुए होंगे या तीन तीन हुए होंगे, तो 15 मेरे अगर कैंसिल हो गए तो कहाँ पे बोलूँ, जब मैं विधायक जी को कह रहा हूँ कि मेरे वर्क ऑर्डर करा दीजिए, उसके बाद मेरे एक तरफा सारा का सारा मेरे ही कैंसिल हो गए तो मैं किस पे आ जाऊँ। विधायक से व्यक्तिगत मुलाकात हुई है क्या? विधायक के पास गए थे अपने कामों को लेकर बलराम जी, आप पहले भी विधायक के पास गए थे? ये मैं जब गया था जब आर के सिंह कमिश्नर साहब थे मौके पे उस टाइम, फिर सारे पार्षद इकट्ठे हुए कि भाई आर के सिंह कमिश्नर साहब जा रहे हैं तो इनका तबादला आप रुकवा लेंगे तो ये कुछ जो काम है हमारे वो हो जाएंगे। तो 28 तारीख को हाउस की मीटिंग की बैठक होनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ये आपको शांत करके उठा दें, हाउस की मीटिंग तरीके से निपटवा दें, उसके बाद फिर दोबारा बैठना पड़ेगा? नहीं मैं उठने वाला नहीं हूँ जी, कच्चे झूठे आश्वासनों से मैं नहीं उठूंगा जब तक मेरे को पूरा। कितने दुख दर्द वाले ऐसे पार्षद हैं जो दुखी हैं इस चीजों को लेके, आप जैसे कितने पार्षद हैं? मेरे पास तो देखो आज तो कोई बोल नहीं रहा, परंतु मेरे पास तो कई साल से इस तरह की बातें चल रही थी, परेशान है। शहरी विधायक ये बातें बोलते थे, ग्रामीण का हमारे को किसी ने आज तक नहीं बोला। शहरी विधायक के बारे में सारे बोल रहे हैं, बोलते हैं सरकार, सबको पता है इस बारे में, विधायक जी को पता है इस बारे में, सबको पता है। कौन-कौन नाम होगा आपके पास? क्या मैं कह लूं, शहरी में से सारे ही हैं सर, कोई थोड़ा है कोई ज्यादा है, सारे हैं। वार्ड वाले भी हैं? हाँ हैं, वार्ड पार्षद बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं आपको? क्या बोलते हैं आपको कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम रोके जा रहे हैं? ठीक है हम कहते हैं ईमानदारी होनी चाहिए, नहीं फिर सभी क्यों नहीं समर्थन देने आते आपको? कौन नहीं, देखो जी वो उनको टिकट से ही होगी अगली बार, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, तो उनकी व्यक्तिगत राय है शायद। आप ये कह रहे हैं आप बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से हैं या आजाद उम्मीदवार है इसलिए आपके साथ द्वेष भावना हो रही है? आजाद है जी हम, आजाद द्वेष भावना हमारे साथ क्यों रख रहे हैं वही तो समझ नहीं आ रहा। जब हमने लोकसभा विधानसभा में इनके साथ इनके स्टेज पे खड़े हुए थे तो हमने इनकी वोट मांगी थी, हमने कोई द्वेष भावना होती तो हम उनकी वोट क्यों मांगते? हमने इसलिए मांगी ना कि आगे से जो हमारे वोट के कार्य हैं वो टाइम से हो जाया करेंगे, हमारे को तो सिर्फ इतना लालच। विधायक की तरफ से मैसेज आपको अंदर आने का, अभी आप बात करिए। हाँ जी विधायक जी का फोन आया था। कुलवंत जी एक चीज, आज हम आजाद हैं,
आप हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, हमारे को टिकट दे दीजिए, हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये तो यार पार्टी का हम लोग वो लोग क्या नहीं, विधायक साहब के हाथ में थोड़ी है इस बात को, विधायक साहब के हाथ में थोड़ी है, तो ऊपर की बात है। भाजपा से चुनाव लड़े सर, इच्छा वाली तो कोई बात नहीं होती है, जितने इच्छा है तो आप तभी बोल रहे हैं ना। हम तो पहले भी साथ में ही है बीजेपी के, हमने कभी बीजेपी के मतलब कभी ये मंशा तो नहीं है, मतलब हाथ दर्द है कि बीजेपी के टिकट लेने के लिए आपके ड्रामा रच रहे हो। नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता। चलिए प्रमोद भी साहब आ रहे हैं, ये पीछे देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, तो अब देखते हैं कि विधायक साहब जो है वो क्या इस बारे में कहते हैं। तस्वीरें आप साथ के साथ जो है शेयर जरूर करें, और अब देखते हैं आमने सामने दोनों पार्षदों विधायक हैं और क्या जो है बातचीत जो है रखते हैं। अरे मुझे वो देना टेबल वाइट नहीं, येलो रख गया एक छोटा भैया। अरे चेयर और मंगवाओ भैया उधर से सबके लिए, सबके लिए हो भैया, भी खड़े हैं कुछ लोग। पार्षद बलराम कौल जो है वो सारी विधायक से यहाँ पर अभी उनके मिले हैं, क्या बातचीत होती है आपको दिखाई जा रही है ये? सर आप लाइव हैं दोनों, मकोल साहब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बार बार कि विधायक साहब ने काम रुकवाए हैं, दबी जुबान में अफसर भी ये कह रहे हैं, और मेरे साथ ही जो है भेदभाव हो रहा है। बलराम जी कुछ किए पहले, फिर मैं जवाब दूंगा ना। बलराम जी सामने बलराम जी बताएंगे, कुछ भी बलराम जी आप कह सकते हो। मैं तो बारहवीं भी मीडिया के सामने मैंने ये बात की है, अजय कुमार छोकर, एक्शन प्रदीप कल्याण और कमिश्नर साहब नगर निगम राहुल नरवाल, ये तीन लोगों ने हर बार जब भी मैं गया उन्होंने ये बात की है कि आपके साथ राजनीति हो रही है, आपके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर है, आपके काम हम करवा देंगे परंतु आप थोड़ा सा ठंडा रखो, आपका हो जाए, आपकी विधायक जी के साथ बनती नहीं होगी। और आप अगर अजय छोकर ने यहाँ तक भी कहा हमारे को कि आप विधायक जी के साथ समझौता कर लीजिए, मैं बोला समझौता किस बात का करूँ, मेरे को लड़ाई थोड़ा है, मैं समझौता क्या करूँ। हमने जब सारे काम गवर्नमेंट के हिसाब से नगर दर्शन पोर्टल पर डाले हैं, नगर दर्शन पोर्टल पर विधायक जी को पता है सीएम साहब के आदेश हैं, जिसके भी थे हरियाणा सरकार का पोर्टल है, हमने उस पर डाल दिए काम। अब उन्होंने बोला कि ये सारे उसमें एमसी से लेकर निर्दलीय सब एक्टिवल हैं, उन सभी कामों के जो किसी भी पार्टी से हो, कोई विधायक हो एमसी हो, उनके सबके काम एक्टिवल लिए जाएंगे और सबके पारदर्शिता से वो सारे कार्य करवाए जाएंगे। नगर निगम कमिश्नर ने दौरा किया, सर्वे किया, सारे वहाँ पे एरिया में घूमे, एक्शन साथ थे, जेई साथ थे, उन्होंने सारे चीज़ें देखते 22 कामों के हमारे टेंडर इशू कर दिए। उसके बाद बीच में क्या अड़चन आई, जब टेंडर जारी निगम कर रहा है, निगम ने टेंडर जारी कर दिए, इसमें तीन काम शुरू भी हो जाते हैं, हमने कोई नारियल नहीं फोड़ा, हमने किसी की प्लेट नहीं लगवाई, मैंने खुद भी नहीं लगवाई अपनी, जब मैं खुद लगाऊंगा अपनी तो विधायक जी की भी लगा दूंगा मैं, मुझे क्या इतराज़ है। तो जब ये काम शुरू हो गए, बीच में स्टॉप रोकने का मतलब क्या है, स्टॉप हुए क्यों, इस बात का सवाल जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई राजनीति आपके हमारे ऊपर प्रेशर है। आपने बताया था कि भाई आपको किसी अधिकारी ने कहा कि आपके स्पष्ट तौर पर काम विधायक ने रुकवाए हुए हैं, ये कौन से अधिकारी ने कहा? विधायक जी आपके सामने बैठे, उनके सामने खुलकर जाइए, अजय छोकर को मौके बुलाइए, अपने बच्चों को लेकर, उनकी घरवाली गुरुद्वारे मंदिर में बड़े, मेरी घरवाली गुरुद्वारे मंदिर के अंदर बढ़ेगी, अजय छोकर जी ने बात बोली है, प्रदीप कल्याण ने बोली है, कमिश्नर साहब ने बोली है, यही बोले कि भी विधायक ने आपके काम रुकवाए हुए। हाँ, हमारे को पॉलिटिकल प्रेशर है, विधायक जी का फोन करवाइए। मैं बोला ये आपके सामने है और अधिकारियों की इतनी हिम्मत है कि वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अब विधायक ने काम रुकवाए। आप कोई पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे या मैं पहले बोलूं? आप बोले, आप बोलिए। चलिए मैं बलराम जी से पूछता हूँ कि आपके वार्ड में इन्होंने एक दिन स्टेटमेंट दिया, अब उसको चेंज नहीं करेंगे? जी जी, बलराम जी के वार्ड में आपके कितने अमाउंट के काम हुए हैं बलराम जी? सर हमने स्टेटमेंट दी हुई है, रिकॉर्डिंग है, हमने गिनती नहीं की, परंतु मुझे इतना पता है जिस टाइम आप 2019 के चुनाव जीत करके आए थे, आपने एक शायद 72 करोड़ की एक लिस्ट आपने जारी की थी। 72 करोड़ तो MSSY का फंड है, मैं आपके वार्ड में पूछ रहा हूँ। 4 करोड़ के आसपास से टेंडर लगे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने एक स्टेटमेंट दिया बलराम भाई, मीडिया के पास है वो रिकॉर्डिंग, सबके पास है, आपके वार्ड में कितने रुपए के काम हुए हैं, ये मेरा सीधा क्वेश्चन है। मेरे पास आइडिया है 4 से 5 करोड़ के आसपास। चलो अच्छा, 4-5 तक तो आगे हम स्टेटमेंट में, कोई बात नहीं, आपकी स्टेटमेंट सबके पास है, 2 करोड़ का आपने अमाउंट बोला हुआ है, 2 करोड़ सबके पास है स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, गलती लग जाती है, बताओ अपना भाई है तो ये तो इशू नहीं है। चलो 4 तक हो गए, 4 तक का तो इशू नहीं है हमारा, हमारा इशू तो काम लेकर गए, जो काम हमारे रोके गए हैं वो इशू है। आप अपनी बात,
कुलवंत जी ने 13 करोड़ बोला था ऐसे तो आपने अपनी क्यों मैं अपना जिम्मेवार हूं आपने 8 करोड़ की बोली थी विधायक जी झगड़ा नहीं झगड़ा ये तो झगड़ा है बात में इशू नहीं है एक मिनट बात स्पष्ट करना जरूरी है समाज के लिए जरूरी है एक मिनट आप बीच में बहस मत करिए पहले मेरी बात आ जाओ सुननी पड़ेगी तो आप भी सुनो बस बस आप बीच में मत बोलिए मैं बलराम जी से बात कर रहा हूँ आज बलराम जी ने 2 का आज वो 4 कह रहे हैं कोई बात नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं टेंडर वाइज डिटेल है अमाउंट की आप भी आए हैं अच्छा काम करिएगा कभी तो बिल्कुल करते हैं धन्यवाद धन्यवाद मैं एक एक टेंडर की डिटेल दूंगा कि आपके वार्ड में कितने काम हुए हैं और इसमें एक भी काम आप चैलेंज कर दीजिए नहीं हुआ और आगे की भी पिटीशन है वो भी मैं मीडिया के माध्यम से आज पानीपत की जनता को आपके वार्ड की बताऊंगा एक बार सर पहले नहीं एक मिनट मैं जवाब कमिश्नर साहब मैं कमिश्नर देखिए कमिश्नर क्या कहता है जेई क्या कहता है मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इस चीजों का विधायक जिम्मेवार है अपने नागरिकों के प्रति और पार्षद के प्रति मैं जिम्मेवार हूँ मैं किसी और के प्रति जिम्मेवार मेरी कोई नहीं है आप जो भी काम होगा अरे सुन तो लो यार जल्दी है क्या आपको फिर सबर करिए आप वैसे बात तो आप सबर करिए विधायक जी आपसे बीच में आप नहीं बोलेंगे हमें बात करने दीजिए विधायक जी आप अपनी बात रखिए अपनी बात जारी रखिए विधायक जी आपके वार्ड में ओम प्रकाश जब यहाँ पे कमिश्नर थे उस वक्त आपके वार्ड में पेमेंट आपने करवाई हुई है मैं छोटे छोटे पीरियड की बात कर रहा हूँ साइन है आपके हर पेमेंट के ऊपर टेंडर की डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ आपके वार्ड में ओम प्रकाश कमिश्नर जी जब थे 1,85,34,296 रुपए के काम हुए ये आपने पेमेंट करवाई है रिटर्न में है सब कुछ एक एक टेंडर आज आपको रिटर्न में दूंगा मैं इसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ठीक है 1,85,34,296 रुपए के काम तो हुए कोविड काल में जबकि हमारा सारा समय तब लगता था स्वास्थ्य के ऊपर लोगों के खाने के ऊपर माइग्रेटरी लेबर के ऊपर उसके बावजूद भी ये लगभग 2 करोड़ रुपए के काम हुए अश्विनी शर्मा उसके बाद मैं विधायक बना हूं 2019 में ठीक है ये सर जो आपने दिखाए ये पहले के हैं ये ओम प्रकाश जी जब कमिश्नर नहीं, 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 आप विधायक थे या नहीं थे उस टाइम विधायक था ओम प्रकाश जी जब आए तब मैंने हमारे कुछ टेंडर पहले से रेवड़ी साहब के टाइम से लगे हुए थे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप ना एक बार अच्छे से कर लेना कोई बात नहीं आपके वार्ड में काम हुआ ना आपके होते हुए एक मिनट दोस्त आपके वार्ड में आपके पार्षद बनने के बाद ये काम हुआ है सिंपल बात तो ये है सिंपल बात ये है तो मैं ठीक है पहले अरे पार्षद आप बने दिसंबर 18 में 19 में जनवरी 19 में ठीक है कोई बात नहीं आप एक मिनट सब्र करिए मैं एक एक चीज दे रहा हूँ उसके बाद 2 करोड़ के हिसाब मैंने आपको दे दिया वार्ड नंबर 18 की बात कर रहे हैं हम चलो उसके बाद नवीन एक्शन यहाँ पे थे पहले ये चार्ज नवीन जी के पास था वार्ड नंबर 18 ठीक है ये टेंडर की डिटेल है पेमेंट की डिटेल है उनके साल में 4,28,65,000 रुपए के टेंडर लगे पड़े हैं ये और पेमेंटें हुई हुई है जी एक एक टेंडर लिखा हुआ है बलराम जी देख सकते हैं ये इनके वार्ड के टेंडर हैं या नहीं है ये 4,28,00,000 रुपए के टेंडर तब मैंने इनके काम करवाए हैं पेमेंट हो चुकी है हाँ जी पेमेंट हो चुकी है जी आपको डाटा के साथ काम करेंगे जवानी काम नहीं करेंगे आज लेकिन फिर भी हमारे सम्मानित पार्षद गण है चाहे इंडिपेंडेंट है विधानसभा तो मेरी है आज जो काम ये कहेंगे उसका भी जवाब देंगे उसका स्टेटस क्या है उसका भी बताऊंगा मैं आपको और उसकी वजह क्या है हर वजह विधायक नहीं होता है कुछ कानून भी होते हैं मैं बताता हूँ ये मैंने आपको बता दिया 4,28,00,000 का ये 1,85,00,000 का पहले लगभग 6 करोड़ का हो गया चलिए इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ पानीपत शहरी विधानसभा के लिए 5,00,00,000 का टेंडर जनरल टेंडर भी लगते हैं किस लिए लगते हैं वो किसी ने मेंटेनेंस करवानी है किसी ने जिम लेने हैं किसी ने प्ले स्टेशन लेने हैं किसी ने स्टील बेंच लेने हैं किसी ने लोहे के बेंच लेने हैं कोई मिसलेनियस काम होते हैं पूरी शहरी विधानसभा के अंदर 5,00,00,000 रुपए के टेंडर लगाए गए हैं
इस मेरे एमएलए बनने के बाद, और उसमें से हर वार्ड में कुछ न कुछ काम हुए हैं। उसकी एग्जैक्ट सूची मुझे नहीं मालूम है, इनके वार्ड में 50 लाख के हुए हैं, 20 लाख के हुए हैं, 70 लाख के हुए, उसकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन टोटल विधानसभा में मिसलेनियस कामों के लिए ये पैसा भी मैंने अरेंज करके दिया। चलिए, अब ये तो हो गया जो काम हो चुके हैं। अब हम आते हैं जो टेंडर लगे हैं, जिसका बलराम जी कह रहे हैं कि मेरे जब टेंडर लगे हुए हैं। वाकई कोई भी पार्षद बहुत मेहनत करता है टेंडर लगाने के लिए, एस्टीमेट बनवाता है, सर्वे करवाता है, उसमें उसकी टाइम लगता है उसका। और इनके जो 22 टेंडर ये कह रहे हैं बलराम जी आप, वो 22 नहीं है, 19 है। पहले तो मैं स्पष्टीकरण ये दे दूं आपको, 22 की एक संख्या घूम रही है। 22 है सर, कोई बात नहीं, मेरे पास आया जी 19 टेंडर, कोई बात नहीं, हो सकता मेरे पास गलत हो, कोई बात नहीं, मेरे पास हो सकता है गलत हो, ये 19 टेंडर हैं। अब 19 टेंडर की मैं स्थिति बता देता हूँ आपको। एक बार सर, इसमें फिर बात लंबी होती है, वो खत्म हो गया। 19 टेंडर ये हैं, 3 टेंडर हमारे हैं, 4-2 बोलते हैं उसके अंदर, जो कि इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। वो जनरल है, वो जनरल, समझो मेरी बात। सर मेरे वार्ड नंबर 18 के हैं वो। चलिए वो 20 होंगे, मैं देख लेता हूं। सीवर का अलग से टेंडर है, वो नंबर 18 का। मेरे को जो सूची वार्ड नंबर 18 का, उसको भी रोक के बैठे हैं वो। उसको भी मैं मंगवा लेता हूं, कोई बात नहीं बलराम जी, उसको भी मंगवा लेता हूं। मेरे पास जो सूची है निगम से आई है, मैं कोई अपने आप नहीं बना सकता ये सूची। ये 19 टेंडर है जिसका टोटल अमाउंट है 4,28,00,000 रूपए। पहले जो काम हो चुका है लगभग, मैंने आपको बनाया 6-6.5 का वो था, जनरल भी था, समझो 6.5-7 का वो काम है। 4,28,00,000 रुपए के वार्ड नंबर 18 के टेंडर लगे हुए हैं। अब मैं इस टेंडर की स्थिति बताता हूँ आपको। इसमें से 6 टेंडर के वर्क ऑर्डर होके 3 के तो काम भी पूरे हो चुके हैं बलराम जी। मैं बताता हूँ कौन से काम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोला मैंने 2-3 काम हमारे शुरू हुए थे, शुरू नहीं, 3 काम पूरे हो चुके हैं 19 में से। कौन कौन से काम है मैं बता देता, एक मिनट जरा बताम जी, एक मिनट, स्थिति पूरी देंगे और आपका साथ देंगे। अगर आपका काम नहीं करते तो कैसे नहीं करते देखेंगे हम ये बात, लेकिन स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी है। इसमें से आपके 3 काम जो पूरे हो चुके हैं वो है, एक तो 15,69,000 का काम था जो सड़क थी जाडर रोड टू हरिशन फैक्ट्री सीएलसी केनाल हरिशन के ऊपर, ये वाली सड़क आपकी पूरी हो चुकी है। और एक आपका सड़क का काम हो चुका है, रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रीट इंक्लूडिंग लेइंग एंड रिलेइंग ऑफ रोड 7,16,000 का, ये पूरा हो चुका है काम आपका। और एक आपका काम हो चुका है, हाँ ये 18,45,000 रुपए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सावन भादो पार्क, ये 3 काम आपके इसमें है, ये पूरे हो चुके हैं। ये इनसे आप पूछ सकते हैं पूरे हुए या नहीं हुए, ठीक है, कम्प्लीट है, ठीक है, कह रहे हैं कम्प्लीट होगी। बाकी बचे 16 काम में से 3 के टेंडर वर्क ऑर्डर 2 या 3 दिन पहले, मैं बाहर था पानीपत में नहीं था, वो इनके वर्क ऑर्डर इश्यू हो गए हुए हैं, जो जिस भी ठेकेदार को मिले होंगे इश्यू हुए हैं या नहीं हुए जी? नहीं, मेरे को नहीं इस बारे में। मैं बताता हूँ कौन से 3 टेंडर आपके इश्यू हुए हैं। सर ये तो चलो ठीक है, मैं आपकी बात पे आऊंगा, आपके 2 मिनट मिले, ये डाटा मैंने समझ लिया। नहीं 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 नहीं, 3 शुरू करवा नहीं, समाज में जिस दिन उस दिन धरने बैठने के बाद ही कुछ वर्कआउट हो रहा है, 3 महीने से क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा है? इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बताइए भी, रुकवा दीजिए आप, नहीं हुआ तो मैंने नहीं, आप हमारे काम शुरू कराइए, आप ऑर्डर बलराम जी मुझे स्टेटमेंट देने दीजिए, सर होगी स्टेटमेंट, नहीं हुई, नहीं आप बात रोकना चाह रहे हैं, कमिश्नर को आदेश जारी कीजिए कि भाई तू इसके वर्कआउट जारी कर, मैंने अभी 2 रोक रहा है, बात खत्म हो गई, हम अपने 2 मिनट बोलने देंगे या नहीं, मैंने अभी कहा आपके जो काम हम देखेंगे कैसे नहीं होते, अभी 2 मिनट मिलेगा, लेकिन स्थिति को आप बताने दीजिए, और स्थिति को बताने से मत रोकिए, बताइए। मैंने बता दिया 19 टेंडर थे, 22 नहीं है, 3 टेंडर की बात होगी, मैं 22 बता रहा हूँ, फिर 19 कर रहे हैं, मैं वो भी पूछ लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ले लेता हूँ उनसे, वो 3 बता रहा हूँ, पानी का ट्यूबवेल का है सर, सीवर की लाइन का है, पानी की लाइन का है, मेरे इंडिविजुअल है वो, बलराम जी वो इकट्ठे नहीं है सर, बलराम जी मैं वो भी 3 उनसे ले लेता हूँ, आप क्यों कह रहे हो, मेरे पास अभी तक ये है ना, आपके पास है तो हमने कहा हमारे, मैं मंगवा लेता हूँ दोस्त, मंगवा लेता हूँ, आप 22 की मैं मंगवा लेता हूँ, मंगवा लेता हूँ, सब्र करिए, मंगवा लेता हूँ। बाकी बजे 13 टेंडर जो मेरे पास डिटेल है, 3 बलराम जी कह रहे हैं वो भी मैं मंगवा लेता हूँ, हो सकता है ठीक कह रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, सब्र करिए जब। 13 टेंडर में से वर्क ऑर्डर कितने के हो चुके हैं? 4 टेंडर के वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं, उसकी ठेकेदार बैंक गारंटी नहीं दे रहा। मैंने निगम कमिश्नर को भी बोला कि उन पार्षदों से, सॉरी उस ठेकेदार से बैंक गारंटी, उन्हें टेंडर खुल गए वर्क ऑर्डर के नाम हो गए हैं, या तो बैंक गारंटी दे रहे उनको ब्लैक लिस्ट करें, क्यों नहीं दे रहे ब्लैक वो बैंक गारंटी? 4 टेंडर की बैंक गारंटी नहीं दे रहे हैं, हमें उनसे प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी बैंक गारंटी लेके
बैंक गारंटी पर रुके हुए हैं, मेरा मैं इसमें कहां से वजह हो गया? टेंडर खुल गए, वर्कआउट रूल्स क्या, विधायक का क्या रोल है इसमें? विधायक तो आपको सपोर्ट करने के लिए कल ये कह दिया, उसको परसों मैं देहरादून में था, मैंने कहा आप उनसे बात करिए, बैंक गारंटी देके काम शुरू करवाइए। बाकी काम बचे आपके, चार बैंक गारंटी हो गए। अब आता हूं मैं मेन प्रॉब्लम कहां पे है, और बलराम जी जानते हैं, सभी पार्षद जानते हैं, और आप किसी पार्षद में चाहूंगा जो मीडिया में बहुत बयान देते हैं उनको मेरी बात को वेरीफाई करें कि प्रमोद विधायक ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। वो ये है, इसमें से पांच टेंडर टेक्निकल में फंसे हुए हैं। सरकार ने कोई भी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी हो, यूएलबी हो, अब एचईडब्ल्यू पोर्टल है, एचईडब्ल्यू पोर्टल पे अगर कोई टेंडर 30 लाख रुपए का है तो उसकी टेक्निकल सेंक्शन होती है, और टेक्निकल सेंक्शन पानीपत कॉरपोरेशन नहीं कर सकता। टेक्निकल कॉरपोरेशन जो प्रोसेस है उसमें रैंडमली नियुक्त हो जाते हैं, कभी एक्शन होगा पंचकुला का, कभी होगा कालका का, कहीं का भी हो सकता है। ये चार या पांच आदमियों की टेक्निकल टीम होती है, उसको 30 लाख 25 लाख से ऊपर के टेंडर को अप्रूव उन्होंने करना है, पानीपत कॉरपोरेशन नहीं कर सकती इसको। ये कौन कौन से हैं जी? मैं दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, मेरे भी लेता हूँ, वो भी दे रहा हूँ, मेरे से लो ना, मैं आप तो वर्जन खत्म हो जाएगा, मीडिया अपने घर मैं दे नहीं जाएगा। आप ये बताइए कितने काम है? मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, और भी ऐसे वार्डों के होंगे, और अब ये बहुत है, सरकार का डाटा भी थोड़ा बहुत है। अभी मैं वार्ड 18 की बात कर रहा हूँ, आप मेरे पास वार्ड 18 के लिए आए तो मैं 18 की बात कर रहा हूँ। पांच टेंडर इनके जो है, बताइए सर, बैंक गारंटी कौन नहीं दे रहा है, मेरे को ये बताइए आप। ये मैं देता हूँ आपको, नाम दे रहा हूँ, लीजिए आप, हर चीज लीजिए आप मेरे से, क्योंकि मेरे पास तो बैंक गारंटी वाले रोज फोन आते हैं उनके। ये लीजिए आप, बैंक गारंटी ले लो, बैंक गारंटी ले लो, आपका ये चौथा यार दे रहा हूँ, लो जी, आपने जो क्वेश्चन किया बलराम जी मेरे से उसके जवाब दीजिए। चार बैंक गारंटी मैंने बोली, चार बोली आपके सामने, बताइए जी। पहला ये 64 नंबर का टेंडर है जी, कोई पृथ्वी कोऑपरेटिव एलसी सोसाइटी है, बैंक गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है, एक हो गया, नाम इसमें नहीं है, चलो ठीक है, पृथ्वी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मुझे नहीं पता जी कौन है, मैं नहीं ठेकेदार को जानता, इसकी बैंक मैं हर एक बताऊंगा आपको, किस चीज का सरकारी है, ये 64 नंबर पे है, लो पढ़ो, प्रोवाइडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट साइन बोर्ड स्पीड ब्रेकर्स इन वेरियस, कॉपी दे देंगे सर, इसकी कॉपी दे देंगे सर, इसका मेरे पास सारा का सारा, अभी फोटो मंगा लेता हूँ मैं, सारा का सारा सर्वे करके, कौन सी गली में कौन सा बोर्ड लगना है, कौन सा कहाँ पे क्या होना है, साइन बोर्ड बैंक गारंटी नहीं आई, वो मेरे पास 10 बार चक्कर काट चुका है जी, मेरे को फोन पे मैं एंट्री कर देता हूँ अभी, वो कह रहा है सर मेरे को निगम वर्क ऑर्डर नहीं जारी कर रहा है, मैं तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ सर, वर्क ऑर्डर के बाद जो बैंक गारंटी होती है वो नहीं ले रहे हैं, यही तो चक्कर हो रहा है, वो ले नहीं रहे हैं, आप बात नहीं मान रहे हैं, आप बात मत घुमाइए सर, हमारा तो ये बताइए कि हमारा काम कैसे होगा, जिंदगी में बात नहीं घुमाता, बात बात मैं कह रहा हूँ मेरे पास, मैं उसको अभी फोन करता हूँ आपके सामने, लीजिए एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए, फोन दो मुझे बात, ना ना प्रूफ दे रहे हैं, मैं भी दूंगा जी प्रूफ, अरे आप मुझे बात तो करो, मेरे पास बलराम जी, मैं ऐसा बहस नहीं कर सकता, मेरे सम्मानित सदस्य मैं बहस नहीं कर सकता, आप मुझे एक मिनट बात रख दीजिए, उसके बाद आप मिनट कर रहे हैं, उसके बाद फोन मिला लेना बाद में। देखिए देखिए सवाल ये है कि अगर बैंक गारंटी से रुका हुआ है तो मैंने निगम को ये कह दिया कि इनसे बात करिए ठेकेदारों से, और इनकी बैंक गारंटी लीजिए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करिए इनको, आप टेंडर लेने के बाद बैंक गारंटी क्यों नहीं दे रहे, पर मुझे दो मिनट बात कोई नहीं, आप करते रहिए सर। अच्छा कितने टाइम से पेंडिंग है सर ये बैंक? सर मेरा डेट नहीं है मेरे पास, आप ऐसे समय में निगम की नौकरी करता हूँ मैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे बात करने दीजिए, कोई बात नहीं। पांच टेंडर इनके टेक्निकल में फंसे हुए हैं, और पानीपत के शायद 85 टेंडर फंसे हुए हैं, एक टेंडर नहीं फंसा हुआ है, 85 टेंडर है। आप किसी भी पार्षद से बात पूछ सकते हैं, जो मीडिया में पार्षद बहुत आते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि विधायक ये बात कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो परस्यू कर सकते हैं, और ये पानीपत कॉरपोरेशन के हाथ में भी नहीं है, ठीक है। पांच टेंडर इनके ये हैं, दो टोटल मैंने बताया था ना 19 टेंडर थे, 6 टेंडर इनके हो चुके हैं वर्क ऑर्डर, 3 के काम पूरे हो चुके हैं और 3 के वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं, बाकी 13 में से 4 बैंक गारंटी में इसके फंसे हुए हैं, 5 इनके टेक्निकल में जो हरियाणा लेवल पे है एचईडब्ल्यू उसमें है, इसके बाद 2 टेंडर की नेगोशिएशन चल रही है इनकी कॉरपोरेशन की, रेट ज्यादा होंगे कॉरपोरेशन कमिश्नर से नेगोशिएट कर रहे हैं, और 2 टेंडर जो है रेट अप्रूवल पे है, ये 13 टेंडर है, ये 19 टेंडर की पोजिशन है। अब मैं अपनी बात करता हूँ पार्षदगण के साथ, ये अपने वार्ड का काम मैक्सिमम कराना चाहते हैं, क्यों ना करवाएं जब वहां से चुन के आए, और एक सबसे बड़ी बात ये है, अरे मेरी भी तो विधानसभा है, वहां काम होगा तो मेरा काम भी तो होगा, अगर वहां काम नहीं होगा तो मेरे जनता का काम ही तो नहीं हुआ, तो मैं ये कभी भी क्यों चाहूंगा
कि किसी भी वार्ड में काम ना हो जो मेरी विधानसभा में है। हाँ, अगर इनको ये नाराजगी है तो मैं किसी गेटों के टेंडर नहीं लगाता, तो मैं नहीं लगाता। मैं गेटों के बनाने से या बोर्डों के लगाने से बेहतर ये समझता हूँ कि जनता को जो सुविधाएं देनी है, जो जनता को पानी की, स्वच्छ वाटर की, पीने के पानी की, ट्यूबवेल की, या सड़कों की, सीवर की, नाली की, वो सुविधा पहले आनी चाहिए। गेट और बोर्ड ये बाद में आनी चाहिए, ये मेरी मत है अपना। इससे अगर कोई नाराज है तो नाराज है। आपको एक बात जानकारी और देता हूँ, कोई गेट के टेंडर नहीं लगवाया जी मीडिया सामने। आपको एक बात और मैं जानकारी देता हूँ, जो बात हमारी है, हमने एक बात और जानकारी देता हूँ, टेंडर लगवाया नहीं है। एक बात और जानकारी देता हूँ, लगवाया है। आपको हैरानगी होगी ये जान के, शायद ये आप सोच भी नहीं सकते, इस समय पानीपत शहरी विधानसभा में आज की डेट में सिर्फ पानीपत शहरी विधानसभा के सभी वार्डों के मिलाकर 70 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए हैं। किस चीज के? जो पार्षद है, देखिए मेरे साथ जो पार्षद आते हैं, जो काम मुझे लिख के देते हैं, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ कमिश्नर को। इन्होंने जितने काम दिए, अगर मैंने एक भी काम फॉरवर्ड ना किया हो तो मैं इनका गुनाहगार हूँ। अगर वार्ड नंबर 18 का कोई भी काम इन्होंने लिख के दिया है और मैंने उसको फॉरवर्ड नहीं किया तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। और अगर कोई काम नहीं हुआ, मेरी प्रार्थना आपसे ये थी बलराम जी कि अगर कोई काम में दिक्कत आ रही थी, आप नीत जी के पास गए, मेयर पे गए, डिप्टी मेयर पे गए, सीनियर डिप्टी पे गए, कमिश्नर साहब के पास गए, आप मेरे पास कभी आए? मेरे पास कभी है? मेरा भी तो हक बनता है जी, आपका हक क्या है मेरे पास आना? सर सुनिए, आर के सिंह कमिश्नर साहब थे, जब मैं आपके पास कई बार गया था, एक बार हाली पार्क में मिला था मैं आपसे, वो कौन सा प्रोग्राम था, आर के सिंह वहीं थे। मैंने आपको बोला सर मेरे काम करवा दीजिए, लोग परेशान कर रहे हैं, उनके वर्क ऑर्डर जारी करवा दीजिए। आप बोले करवा देंगे, मैंने बोला सर कुछ और भी टेंडर लगवाने, आप बोले पहले वाले तो बाद में, अगले वाले तो बाद में देखेंगे, अभी वाले पहले करवाएंगे, परंतु वो नहीं हुए। तो निश्चित तौर पे नहीं भी 12-13 करोड़ के टेंडर 18 वार्ड के हैं। सेकंड में सुनने देते हैं आप किसी को बात, क्या है ये नगर दर्शन पोर्टल पे लगाए जी हमने, आपने लगवाए हमारे निगम ने लगाए हैं, हमने आपको कोई चिट्ठी नहीं दी, तो फिर तो मेरा को रोल ही नहीं है, आप लगवाइए, मैं तो मना कर रहा हूं। काम रोक रहे हैं इस बात के लिए आए हैं हम यहाँ पे, हमारे काम क्यों रोक रहे हैं आप? हमारे काम करवाइए, काम करवाइए। हमने सारे एमसी इकट्ठे हुए कि भाई आप एक काम कीजिए, कमिश्नर साहब काम करने के इच्छुक हैं, आर के सिंह आप उनका तबादला रखवाइए। सारे एमसी इकट्ठे हो गए, एमपी साहब के पास चले गए, एमपी साहब ने बोला कि भाई एक काम कीजिए, आप जितने भी इच्छुक लोग हैं ना, आप सारे के सारे लोग मेरे को लिख करके साइन करके हमारे को दे दीजिए। ये बात विधायक जी के सामने बोली गई थी मॉडल टाउन में, हमने सब इकट्ठे हुए साइन किए सबने, विधायक जी के फोन आए, मेरे पास भी फोन आया इनके ऑफिस से कि आप लोगों ने साइन नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? जब हमारे काम अटके पड़े हैं तो हम साइन करेंगे, उसका तबादला रुकवाएंगे, हम कोई नया कमिश्नर आएगा। हालांकि आए भी थे दो, ये बोले ईमानदार है, ईमानदार ने कोई साइन ही नहीं किए, वो अपना तबादला करा के छुट्टी चले गए वो, ठीक है। सारे एमसी शहरियों के पास फोन गए विधायक जी के ऑफिस से उस दिन की, आप कॉल डिटेल सबके एमसी की निकलवा लीजिए, सबके पास फोन गया था, तारीख मैं बता दूंगा कि भाई कोई साइन नहीं करेगा। साइन क्यों नहीं करें? हमारे को पर्सनल काम चाहिए, बोर्ड के काम चाहिए हमारे को, तो हमने साइन किए। उसके बाद उनका तबादला नहीं रुका, नहीं रुका। इन्होंने बोला कि जो एमसी उस पर साइन करेगा वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है, कमिश्नर भी करप्ट है, जो साइन करने उनको रोकेगा वो भी करप्ट है। अच्छा, जब हम करप्ट साबित हो गए, जब हमने साइन कर दिए, हमने करप्ट। हाँ सर, कमाल की बात है, मंदिर गुरुद्वारे बढ़िया, मैं बढ़ता हूँ क्या कह रहा हूँ, मेरी मिसी लेके गुरुद्वारे में क्या कहना। आप लोगों ने कहना, आप लोगों ने बोला था, चार एमसी बैठे थे कि जो उस पे साइन करेगा वो करप्ट है, रविंद्र भाटिया। सुनिए, आप रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, रिकॉर्डिंग आप से लाएंगे हम, अभी आप कह रहे थे आप। तो जब हमारे काम, जब हमारे काम रोके गए, जब हमारे काम नहीं होने दे रहे थे, फिर हम आपके पास क्या लेने जाते? अपने नगर दर्शन पोर्टल पे डाल दिए कि ठीक है हमारे काम, तो फिर आप सब जगह हुआ है ना, क्यों रुक रहे हैं? हुआ है ना, यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं? मैंने देखिए पत्रकार भाइयों, मैंने आपको स्थिति बता दी, इनकी मन गढ़ बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने तो इनके बिहाफ के इनको देखते हुए नगर निगम को बोल दिया और आपको मैंने डिटेल दे दी, करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं। आप एक मिनट, अब जवाब देने दीजिए, आप बता दीजिए, ऐसे यहाँ बुलाइए ना कि वो सामने बुलाइए यहाँ पे मौके पे, कमिश्नर जय बुला लेंगे, बुलाइए यहाँ पे भाई, क्यों काम रोक रहे हैं उनको, बुलाइए आप, बात को जाइए मत, मुझे जवाब देने दीजिए, आप जवाब, आपने सबका ठेका ले रखा है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का, आप निर्दलीय हैं, आप निर्दलीय निर्दलीय काम करिए, अधिकारियों को बुलाइए। यही बात उन्होंने कही थी पिछली बार जब पहले दिन बैठे थे कि मैं बीजेपी में, मेरे को ज्वाइनिंग के लिए बहुत प्रेशर आया, मैं ज्वाइन नहीं हुआ, इसीलिए मर्जी है, इसीलिए इसका खमियाजा मेरी जनता भुगत रही है। खमियाजा कैसा है? 11 करोड़ के टेंडर कुछ नहीं है, हवा में सब आपको 11 करोड़ के टेंडर दिखाए, एक भी चैलेंज कर देंगे टेंडर,
एक भी टेंडर चले तो करें, ये काम नहीं हुआ तब तो मैं इनकी बात मानूं। 11 करोड़ रुपए के टेंडर के काम का एक भी टेंडर ये कहें कि ये गलत है। ये हवा में क्यों है फिर सर? हवा में क्यों है? अभी पेमेंट करवाई है, अभी साइन करके पेमेंट करवाई है। नारियल फोड़ रहे हो जगह जगह जाके, यहाँ पे नारियल नहीं फूट रहे हैं हमारे वार्ड में, ये दिक्कत आ रही है। बीजेपी के पास नहीं है, भुगत रही है। आप सारे पत्रकार आप बात का जवाब लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बताएं। आपको 11 करोड़ के टेंडर नेगेटिव लगते हैं क्या? एक वार्ड में हवा में है सर, ये आपने साइन किए हुए हैं, पेमेंट किया आपने। तीन काम शुरू हुए हैं, 22 में से तीन शुरू हैं, तीन उस दिन ऑर्डर हुए हैं जिस दिन मैंने बोला कि मैं विधायक की कोठी के बाहर बैठूंगा। आधे घंटे बाद कमिश्नर साहब आते हैं, 10 दिन कमिश्नर साहब आते नहीं है। 10 दिन के बाद जिस दिन मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं विधायक की कोठी के बाहर बैठूंगा, आधे घंटे बाद कमिश्नर साहब आते हैं, बोलते हैं आपके तीन वर्क ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। कंक्लूड करना चाहूंगा, 4 दिन हो गए आज तक हवा में। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मेरे से इस तरह की बहस नहीं की जाती, मेरा वो लेवल ही नहीं है। नहीं की जाती तो आप कमिश्नर को आदेश जारी कीजिए। मैं कर चुका हूँ, इनके वर्क ऑर्डर जारी कर, मैं कर फिर हम वहाँ बैठेंगे जाकर के। मैं कर चुका हूँ, फिर मैं बैठूंगा, आपसे उठ जाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है मैं कर मैं उठ जाऊंगा, आप मीडिया के आप उठे चाहे ना उठे, ठीक है फिर बात कर। आप उठे, सुनिए आप बात पूरी करके जाइए। आज मैं बार बार आपके साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा। तो कीजिए सर, जब मैं कमिश्नर साहब के सामने सच्चाई चलती है आप फोन कीजिए ना सर। मैं भाई अभी कर रहा हूँ, अभी एंट्री कीजिए। देखिए जो काम करने का वो काम कीजिए। बलराम जी मैं पहले अपनी मीडिया में बात नहीं करूंगा, उसके बाद बात करूंगा कमिश्नर से। मैं उससे पहले नहीं करूंगा, आपकी कोई पर्सनल मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, परंतु आप हमारे काम कर, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। पानी पिला दो। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है ना मैं रखता। मैं पहले मीडिया से अपनी बात पूरी रखूंगा, उसके बाद आपके सामने कमिश्नर से बात करूंगा। और मैं कर भी चुका हूँ, सिर्फ इनकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा काम कर। मैंने आपको रीजन दे दिए, आप किसी पार्षद से, मेयर से, डिप्टी मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से, जो मीडिया में बहुत दो लोग बहुत आते हैं, दहिया जी और लोकेश जी, उनसे पूछ के देखिए कि क्या विधायक जी ये बात कह रहे हैं। टेक्निकल जो फंसे हुए हैं पानीपत के, शायद 85 फंसे हुए हैं, वार्ड नंबर 18 की बात नहीं है। नंबर एक, नंबर दो, एक बात मैं बताना चाहता हूँ और इसको पार्षद जी को पता है और सभी पार्षद पता है, ये बात आप वेरी करिए जो मैं बात अगली कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है, मैं नाम पूरा याद नहीं कर पा, नांदल जी या नांगल जी ऐसे हैं, उन्होंने उठा के पानीपत ग्रामीण विधानसभा के दसियों टेंडर, शायद 50, 60 या 70 टेंडर कैंसिल कर दिए। पार्षदों ने मेहनत करके अपने टेंडर लगवाए, एस्टीमेट बनवाए, सर्वे करवाए, टेंडर लग गए और उसने एक कलम से उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। जब हमें ये बात पता लगी पार्षदों के माध्यम से, मैंने भी उनको बुलाया, महिपाल जी ने उनको बुलाया कि अगर कागजात में कुछ कमी है तो आप कम से कम कमिश्नर साहब से बात करिए, डिप्टी कमिश्नर से बात करिए, वो ठीक करवाते। उन्होंने वो 50, 60, 70 टेंडर उठा के सारे वार्डों के कैंसिल कर दिए और इसका खमाइजा भुगतना पड़ रहा है मेरे को कि मैंने टेंडर कैंसिल करवाए हैं। एक भी पार्षद कह दे कि मेरी बात अगर गलत है तो मैं गुनाहगार हूँ। आप इनसे एक सवाल कीजिए कि हमारे वार्ड में जो 50 लाइटें इन्होंने अपने डी प्लान के पैसे देनी थी, क्या मेरे को दी वो बताइए। चलिए मैं बताऊँ, यहाँ तो ये हालत हो गई है कि काम जो करे वही गुस्सा खाए। क्या शहरी विधानसभा हो चाहे ग्रामीण हो, इनसे पूछिए, मेरे अलावा आज तक कोई लाइट लेके आया? चाहे 9800 लाइट लाया, चाहे 12 बरस लाइट दो बार लाया, ठीक है कोई लाया? आप दीजिए ना सर, दूंगा उसका जवाब, दूंगा मेरे बात का जवाब तो दीजिए साथ साथ। कोई लाया? 800 लाइट का टेंडर सर मैंने लगवाया था अपने वार्ड का। हाँ जी, जब रोहिता रेवड़ी विधायक थी मैंने अपने वार्ड का 803 मेरे टाइम की बात करिए आप। सर कैंसिल आपने करवाया था, आपने लाइट की इंक्वायरी आपने इंक्वायरी आपका दुष्यंत भंडारी चेयरमैन वो कर रहे हैं। आप लोगों की सारी सहमति दी है तो अगर लाइट लोगों ने मेरे को बुलाया था कि भाई ये लाइट लाइट नकली है, आपने मेरे को बोला था ये लाइट पानीपत के अंदर, मैं टेंडर पानीपत के अंदर 1500 वाली लाइट कैंसिल कर दी, 11,000 रुपए की लगाई। मैंने ये डाटा सारा मुख्यमंत्री जी और विजिलेंस की जांच करवाई, मैंने वही लाइट 1532 रुपए की लगवा के दी जो 13,000 की लाइट लगी पानीपत के अंदर। क्या ये ठीक है? क्या वो टेंडर लगने चाहिए जिसकी लाइट की 13,000 के टेंडर? और डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। मैंने उसके बाद निगम में कमेटी बनी, विजिलेंस की जांच हुई, उसके चेयरमैन दुष्यंत भटिया शायद उन्होंने अपनी गलती देखी। अच्छा चलो एक बात का और जवाब ले लेता हूँ आपसे। निगम में 16,000 लाइट इस टाइम आई पड़ी है पिछले 4 महीने से, आपको मालूम है ये बात? मालूम है किसी को ये बात?
पानीपत निगम के लिए 16,000 लाइट अप्रूव होके आ चुकी है। अब उसको लगवाना विधायक ने है क्या? उसको किसने लगवाना है? निगम ने लगवाना है, पार्षद ने लगवाना है, कमेटी ने लगवाना है, विधायक का क्या रोल है? मेरा क्वेश्चन आज आपसे, आप हाउस के अंदर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया आपने कि 4 महीने से लाइटें आई हुई हैं और शहर में अंधेरा है, वो लाइटें क्यों नहीं लगाई जाती? अरे ये हमारा विषय फिलहाल नहीं है, कमाल है, हमारा विषय लाइट का विषय सारे शहर का है, जो गरीब और आपका वो विषय नहीं है। जो गरीब लोग कच्ची सड़कों पे बारिशों में वहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोटें लग रही हैं उनकी, आप जाके देखिए शुगर मिल के पीछे। आपसे बात करता हूँ, पार्षद महोदय मेरी बात को समझना नहीं चाह रहे। देखिए क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं आप, मुद्दे को भड़का रहे हैं। कभी लाइटों पे उस पे ले आए, पड़ी रहेंगी वो लग जाएंगी। पहले भी आपने 50 लाइटें हमारी अपने चिल्ले चपट्टों से लगवाई हैं, वो भी लगवा दीजिए, बात खत्म होगी। कोई बात नहीं, आप ताला तोड़ के और ले आइए, ताला तोड़ने के माहिर हैं। बिल्कुल मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अगर मेरी लाइटें नहीं मिलेंगी तो मैं ताला तोड़ के ले जाऊंगा। आपकी 16,000 लाइट आई पड़ी है महाराज, आप जाके अपने वार्ड की हिस्से की लाइटें लगवाइए। जो काम करने वाला वो तो कर नहीं रहे, ये टेंडर में छोड़ दीजिए, इसको फाड़ के फेंक। अब ये आते हैं आरके सिंह जी के ऊपर, आरके सिंह मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ। आप जवाब देंगे, आप दूसरे की सुनते नहीं है, आप अपने जवाब सारे दे रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, आपने आप ये बताइए मेरे को, जो मेरे सवाल है, एक मिनट मेरे सवाल बताइए, आरके सिंह का जवाब दे रहा हूँ। आपको मेरे सवाल ये बताइए, मेरे मेरे से आपने आरके सिंह वाला जवाब तो लेने दीजिए। अगर मैंने कुछ डाटा पकड़ा पानीपत विधानसभा में, जो टेंडरों को इनकी किसी की पावर 10% से ज़्यादा इंक्रीज करने की नहीं होती, ये कानून है। कोई टेंडर 10 लाख का है तो मैक्सिमम उसको 1 लाख रुपये बढ़ाया जा सकता है। मैंने टेंडर देखे सर, अभी हम मॉडल टॉन सर का जवाब दे रहा हूँ। हमारे को अनाज आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, मैं आज जनता को बातें बता रहा हूँ। हमारे वार्ड का कोई अनाउंस नहीं हुआ, आप कैसे फिर उस बात को ले रहे हैं बीच में? पानीपत के अंदर अनाप शनाप टेंडरों को एनहांस किया गया। कोई टेंडर 76 लाख का है उसको 2 करोड़ 49 लाख, एक टेंडर पार्क का वार्ड नंबर 20 में पार्क, अपना पार्क है शायद नाम उसका, 36-37 लाख का है उसको 96 लाख, एक पाए 37 लाख उसको 92 लाख। हाउ कैन यू डू इट? मैंने ये डिटेल सारी की सारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और उन्होंने विजिलेंस की जाँच है जो आजकल चल रही है। मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि जो पावर किसी की नहीं है वो कैसे बढ़ाई जाए। अगर ये काम हुए हैं, अब माने मुख्यमंत्री जाने, विजिलेंस की बेटी जाने, मैंने अपना धर्म निभा लिया। मैं जब कोई चीज़ जानकारी में आती है मैं अपने उच्च पदाधिकारियों को बात जरूर बताता हूँ। जहाँ तक बात है कंक्लूड कर रहा हूँ, इनके पार्षद मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं कमिश्नर साहब से बात करूँगी जैसे पार्षद महोदय ने चाहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन 22 टेंडरों की शो कॉल या 19 टेंडर, मैं इस कन्फ्यूजन में नहीं रहता वो 22 है या 19 है, 3 और भी होंगे शायद मेरे पास ना हो, मैंने उसकी डिटेल आपको बता दी। अगर मेरी स्टेटमेंट में कोई भी पार्षद या मेयर या डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर की प्रमोद जी की स्टेटमेंट गलत है तो मैं आपका गुनाहगार हूँ, पानीपत की जनता का गुनाहगार हूँ। और अगर मेरी स्टेटमेंट ठीक है तो मैं काम ठीक कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने कमिश्नर महोदय से बात करने जा रहा हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी इनके टेंडर, जो ये सो कॉल्ड 19 या 22 टेंडर, इनको काम इनका करें ताकि इनको लोगों को जवाब देना होता है ये जवाब देने के लायक हो। बस इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर रहा। विधायक जी, अभी मकोल साहब ने बताया था कि जेई और एक्शन जो आप लोग का गलत नाम लेकर आपकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उनसे भी कोई बातचीत करें? देखिए मैं इस तरह की बातों में नहीं आता, कौन किसके लिए क्या कह रहा है। मैं अपना प्रमोद कुमार रवीद विधायक पानीपत जनता के लिए जिम्मेवार है, अपनी पार्षदों के लिए जिम्मेवार है, मैं उनके लिए जवाबदेही है। शहर में समाज में कौन किसको कह रहा है, कौन किसको कह रहा है, मुझको इस चक्कर में नहीं आना है। लेकिन छवि तो आपकी खराब कर रही है। मेरी छवि अपनी जगह है, लोगों को मालूम है प्रमोद कुमार विज क्या। चलिए आप सर पानी पीजिए और एक बार कमिश्नर साहब को फोन मिलाइए, मैं वो काम करूँ। मैंने आपको सारा स्पष्टीकरण दे दिया। मोटी बात तो ये है, अगर किसी भी शहरी विधानसभा के वार्ड में काम होगा तो मेरी विधानसभा का काम है, विधायक अपने काम कर रुकवाएगा। मकोल साहब, अभी आपका बात हो जाती है, कमिश्नर साहब से बात हो जाती है, उसके बाद धरना जारी रखेंगे या खत्म करेंगे? अभी एक बार विधायक जी कमिश्नर को बोल दें कि भाई वार्ड नंबर 18 के जो भी कार्य पेंडिंग हैं या जो आपने मौके देखे थे बाद में जो टेंडर लगने वाले हैं, रजवाए वाली सड़क है, कच्ची पड़ी है, लोगों के मकान तोड़ दिए गए, वो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको आज तक उनको ये नहीं दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक आपका मकान तोड़ा, हमने कहाँ से निशान दिया आपकी, क्या चलो उसका टेंडर। और एक दो काम और भी कमिश्नर साहब ने देखे थे जिनकी यस की थी, वो सारे टेंडर जारी करें और जो पिछले वर्क ऑर्डर जो भी हालात जो कंडीशन है उनको जैसे भी करके उनके वर्क ऑर्डर जारी कर दें और अगले टेंडर लगा दें।
और ये बातें हैंड फ्री करके हों, उसके बाद मैं इनको ये बोलूंगा कि मैं यहाँ से उठ करके आपके वहाँ पे बैठूंगा, चाहे मेरे मुकदमे दर्ज हों, विधायक जी कह देंगे कि भाई मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन। मतलब जो बैंक गारंटी वाले हैं उनको तुरंत उनको बुलाया जाए ताकि बैंक गारंटी वो दें और उनका काम हो, बैंक गारंटी अगर नहीं देता तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ठीक है जी, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो टेक्निकल में फंसे, आई नो कि उसमें पानीपत कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं है वो पूरी बात, जो भी उसकी टीम नियुक्त होती है TW पोर्टल पे, जो भी आपके माध्यम है, मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो टेक्निकल में फंसे हुए हैं केस, उनको जल्दी सॉल्व किया जाए ताकि उनके काम वो शुरू हों। ठीक है सर। और दूसरा कुछ एक या दो टेंडर नेगोशिएशन में है शायद, तो उसको जल्दी से नेगोशिएट करके अगर उसके रेट अनाप शनाप है तो अलग बात है, अगर रीजनेबल थोड़ा सा है, विद इन रेंज है 10% के, तो उसको जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाए। इनका सर, कोई सर, भी काम पेंडिंग ना रह जाए, क्योंकि देखिए समय इनके पास भी कम रह गया है। और इनका यह है कि वार्ड में कमिटमेंट की हुई है, लोगों को कमिटमेंट की हुई है, और हमने कभी इनका काम नहीं रुकवाया। इनको गलतफहमी है, मैं दूर करने की कोशिश की है, होगी है तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं उसमें और कुछ कर नहीं सकता। तो आप इनका तुरंत से तुरंत और भी अगर ये कोई काम देते हैं मुझे देंगे, मैं रिकमेंड करके भेज दूंगा, ये आपको ड्रिंक देते हैं उसमें मेरे नहीं भी साइन है, इट डज नॉट मैटर। अगर पार्षद गण आपको देते हैं कोई भी काम करने को, आप जो उसका सर्वे करके जो उचित समझते हैं उसको जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। ठीक है सर, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, रूल्स है, उसको फॉलो कर दिया जाएगा। नेचुरली वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा जी, उसमें तो कोई, ठीक है ना जी। तो ये तुरंत से तुरंत जी जरा, और कुछ भवन है जो इनकम्प्लीट पड़े हुए इनके, उसके टेंडर जरूर देख लीजिएगा। भवन भी है इनके एक दो जो इनकम्प्लीट है, अच्छा, तो वो देख लीजिएगा जरा। ठीक है सर, थैंक यू जी। अपन बड़े स्पष्टीकरण से बात करते हैं, सारे वार्ड अपने हैं, सारे पार्षद अपने हैं। आप अंदाजा लगाइए 70 करोड़ के टेंडर आज की डेट में पानीपत निगम में लगे हुए हैं। विधायक का काम है कि ज्यादा से ज्यादा काम करें, पर एक बात मैं आपको और बताता हूँ, और बलराम जी आपको शायद पता नहीं है ये बात, कई टेंडर रुक जाते हैं, फाइनेंस मीटिंग हो जाते हैं, आपको पता ही है बात, पता जानकारी में है। हमारा मैटर ऐसा है नहीं, वैसे आपका चाहे नहीं है, आप देखिए 8 मरला चौक हमने चौड़ा करवाया है और आप खुद महसूस करेंगे वहां ट्रैफिक थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया, आप सब जानते हैं इस बात को। मेरी इच्छा ये है कि वहां से लेके इजी डे तक 56 फुट की रोड बन सकती है, 4 लेन बन सकता है पानीपत मॉडल रोड के लिए, सुविधाजनक होगा क्योंकि रविंद्रा हॉस्पिटल का रश बहुत है और वो हॉस्पिटल हमारे लिए जरूरी भी बहुत है क्योंकि समाज के बहुत लोगों को कैटर करता है। तो मैं चाहता था वो 4 लेन कर दिया जाए, अब फाइनेंस कमेटी ने रोक दिया, बताओ। नहीं जी, हम नहीं करते। उसमें मुझे समझ नहीं आई कि फाइनेंस कमेटी ने रोका क्यों है। आप कभी सर्वे, आपसे तो पानीपत छुपा नहीं हुआ, पीपल वाली मंडी में कितना बुरा हाल है, नरक की स्थिति है वहां पे। मैंने उसके लिए कहा कि ये टेंडर लगाया जाए, फाइनेंस कमेटी कहती है हम नहीं लगाते, कोई बात नहीं। मैं मीडिया से आपका विषय कब कर दिया मैंने, और कुछ कहना है वो भी बता दीजिए, मैं कह दूंगा। आपका विषय मैंने नहीं लिया, पूरा रूप से लिया। आप तो संतुष्ट हो गए? हम विधायक जी की बात से संतुष्ट हैं, विधायक जी ने फोन कर दिया उनको, अगर उसके बाद वो हमारा काम रोकेंगे तो जो आप दे उनकी है, हम उनसे जाके, क्योंकि अभी तक तो वो हमारे को बोल रहे थे, हमारे पे पॉलिटिशियन का किसी का इनका जो भी नाम ले रहे थे, प्रेशर है। और अब वो बात, अगर ये बात दोबारा बोलेंगे हमारे सामने, हम वहाँ भीड़ इकट्ठी करेंगे, लोग इकट्ठे करेंगे, जो लोग परेशान हैं वो जाके बैठेंगे, हम निगम के बाहर भी धरना देंगे और नहीं मानेंगे तो निगम के अंदर भी बैठूंगा जाकर। हम खत्म कर देंगे जब विधायक जी ने अपनी तरफ से परमिशन दे दी है। परंतु अगर उसने फिर बोला कि विधायक जी ने ऐसे नहीं ऐसे बोला, ऐसे नहीं वो ऐसे बोला, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। दोबारा काम पे बैठे कोई किसी को क्या कहता है, इसका प्रमोद जिम्मेवार नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा था, आज नहीं गया ना आपने, पहले तो नहीं किया ना, मैंने पहले भी किया, आपको विश्वास ही था। संतुष्ट हो ना? तो मैं आपको बता रहा था कि फाइनेंस कमेटी रोक देती है, पीपल वाली मंडी में नरक है वहाँ, और मैं कमिश्नर साहब को वहाँ लेके गया कि वहाँ काम किया जाए, वो लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं वहाँ। वो फाइनेंस कमेटी ने कहा नहीं जी, हम ये काम नहीं कर सकते, जबकि वहां के पार्षद ढींगड़ा जी लगातार मुझे दबाव दे रहे हैं ये काम जल्दी करवाइए। मैंने जब रिकमेंड किया तो फाइनेंस कमेटी में रोक दिया गया। इसी तरह से अगर आप बत्रा कॉलोनी में कभी आप जाके देखें, कई भाई उधर से निकलते हैं, उस कॉलोनी की हालत अच्छी नहीं है। मैंने विशेष तौर पर वहां के लिए 2 करोड़ का काम कहा कि लोगों को पानी की सुविधा, सड़क ठीक हो जाए, सीवर नाली ठीक हो जाए, लगाओ। फाइनेंस कमेटी कहती है नहीं जी, हम ये काम नहीं करेंगे। जब फाइनेंस कमेटी इतने मेजर प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए बैठी हुई है, तो फिर विधायक क्या करें? तो विधायक ने कुछ किया फिर?
मैं बताता हूँ मैंने फिर किया, ये लोगों की नीड की बात है। फाइनेंस कमेटी ने रोका, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि फाइनेंस कमेटी के कुछ लोगों ने प्रमुख रोल अदा करके कि नहीं ये काम हमने नहीं होने देने, जबकि ये नीड है। आप उस कॉलोनी में डावर साहब बैठे हुए हैं, डिगड़ा जी बैठे हैं, वहाँ के समाज के सैकड़ों लोग हैं, उनसे जाके पूछिए ये काम जरूरी है या नहीं है, वहाँ इंटरव्यू करिए उन लोगों का, कोई बात नहीं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास गया, जब फाइनेंस कमेटी ने रोक दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री का चारों प्रोजेक्ट लेके गया, चार प्रोजेक्ट थे ये, और माननीय मुख्यमंत्री मेरी निवेदन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ऑर्डर किए कि ये चारों प्रोजेक्ट इमीडिएटली लगाएं, और उसका पैसा भी उन्होंने दिया, मैं उसका पैसा भी निगम से नहीं ले रहा हूँ। वो चारों प्रोजेक्ट आ चुके हैं जिसके टेंडर लगने की प्रक्रिया शुरू की। फाइनेंस कमेटी में और भी पार्षद हैं जो इन ये बातें करते हैं कि विधायक जी ने हमारे काम रुका दिए, हमारे वार्ड के काम रुका दिए, ऐसे पार्षद और भी हैं। देखिए विधायक प्रमोद विज का नाम लेते हैं, देखिए कौन क्या कहता है, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं तो एक बार सिंपल कहता हूँ कि मेरी विधानसभा के किसी वार्ड का काम होगा तो मेरा काम तो कर रहे हैं, आपको ये बात समझ नहीं चाहिए। आप विधायक हो तो क्या करते हैं, कोई भी काम अगर होगा तो किसका काम होगा, मेरा ऑटोमेटिकली हो गया। आपने हमें विधायक बनाया, इस बीजेपी में कोई भी बन सकता है। ये फाइनेंस कमेटी में कुछ नाम बताना चाहेंगे जी, कौन कौन है फाइनेंस कमेटी में? नहीं देखिए, डिसीजन फाइनेंस कमेटी का, अब किसने क्या रोल अदा किया है मैं नहीं कह सकता। टोटल फाइनेंस कमेटी में कौन कौन लोग है जी आपकी? कुछ नाम मुझे मालूम है, कुछ नहीं भी मालूम है, मुझे पूरी कमेटी मालूम नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा दखल उसमें देता नहीं हूँ। इसमें शायद चेयरमैन तो हमारी अवनीत जी होती है डेफिनेटली, इसमें शायद लोकेश नांगरू जी हैं, शायद इसमें शकुंतला जी हैं, इसमें शायद दैया जी हैं, रविंद्र भाटिया जी हैं, शिव कुमार जी हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने फाइनेंस कमेटी को दिया और उन्होंने ये कह के कि नहीं ये काम कोई जरूरी नहीं है, मैं इसको अप्रूव नहीं करते दिया। कमेटी ने कहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बड़ी निराशाजनक बात है कि कमेटी गेटों की अप्रूवल दे देती है 80-80 लाख रुपए की, जिसकी शहर में कितनी जरूरत है भगवान जाने। लोगों की नीड और तरह की है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था, मैं इस बार निगम में हाउस की मीटिंग में जाऊंगा, मैं बताना चाहता हूँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और निगम के पास 8-9 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जो एक्सपायर हो जाएगा अगर इन्होंने पानी की व्यवस्था ना बनाई। चलिए ये विधायक प्रमोद भी जो मकोल जो वार्ड 18 के पार्षद है, पूरी लाइव जो है बहसबाजी हमने दिखाने की कोशिश की और विधायक ने जो है वो कागज भी दिखाए जो उनको दिखाने चाहिए थे, तो बना मुकुल जो है फिलहाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें जरूर लिखें और जुड़े रहे बहसबाजी पानीपत के साथ। पल पल की अपडेट के साथ हम लोग जो है आप लोगों के साथ दोबारा लाइव होंगे। दोनों की बहसबाजी आप सुने, विधायक साहब ने जो है सबूत सामने पेश किए, कमिश्नर साहब से बात की, बलराम मुकुल का फिलहाल जो है धरना यहाँ से समाप्त हो रहा है। बहसबाजी पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।